गाइस स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है सिर्फ यहीं पर है। तो शुरुआत करते हैं। जब भी आप किसी भी मैसेज को जब किसी को मैसेज भेजते हो टाइपिंग करके, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप मैसेज भेजते हो तो जो जिसको भी आपने मैसेज भेजा है वहाँ से सामने से ऑटो रिप्लाई आ जाता है। मतलब जिसने भी मैसेज भेजा है उनको खुद को नहीं पता होता, बट उसने जो सेट किया होता है कि मान लो कि आप मान लीजिए आप किसी ने हाय लिखा तो सामने क्या मैसेज आपने जो भी सेट किया है सामने वाले व्यक्ति ने वो आपको सीधा रिप्लाई में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही सन 2016 में फेसबुक के कुछ अधिकारी और फेसबुक के कुछ लोगों ने वहां पर सोचा कि दो जो चैट बॉट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई करते हैं, तो उन दोनों जो चैट बॉट होते हैं उन दोनों को आमने सामने रखा और साथ ही एक दूसरे को मैसेज किया। बट उसके बाद जो हुआ उन्हें सुनने के बाद आपके रोने खड़े के खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। वो जो दो चेक बोर्ड होते हैं एक का नाम बॉब और दूसरा का नाम एलिस रखा जाता है। उसके बाद दोनों आपस में चैट करते हैं, मतलब कि जो दो AI होते हैं वो दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं, ठीक है। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिनके वजह से वो जो कंप्यूटर है उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया उन अधिकारियों। तो होता कुछ ऐसा है कि वो दो जो चेकबोर्ड अपने आप ही बात कर रहे थे ऑटो रिप्लाई की तरह ही, तो उन दो जो चेकबोर्ड होते हैं उन्होंने आपस में क्या बात की वो आज तक किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, ये देखिए सामने ये कुछ लैंग्वेज उन्होंने एक नई लैंग्वेज बना डाली। मतलब जैसे कि वहाँ पर जो भी इंसान मौजूद थे उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने क्या लिखा है। दिखने पर तो ये इंग्लिश लगेगा बट ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, कुछ अल्फाबेट है जो कि इंग्लिश में आपको दिख रहे, बट ऐसे क्या बात की होगी इन दोनों में वो आज भी एक रहस्यमय सवाल है। बट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहीं से तो और भी ज़्यादा बिगड़ती है। जी हाँ, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि कुछ ऐसे कंप्यूटर और मशीनरी जो कि आपको सुनने समझने और सोचने की क्षमता रखते हैं, और साथ ही ये जो AI होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और पिछले 50 सालों में हमने जितना विकास किया है वो जो विकास है वो पिछले कई सालों से हमने जो नहीं किया वो किया है इस 50 साल में। यानी कि जो AI है उनका भी उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी कारण ये जो नई नई AI और उनके जो पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इंसान पृथ्वी पर काफ़ी सारे सालों से हम पृथ्वी पर राज करते आए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की वजह से, क्योंकि हमारा दिमाग बाकी प्राणियों की तुलना में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे ज़्यादा बुद्धि जो इस प्राणी में होती है वो हम इंसान ही है, ठीक है। और ये जो AI होता है उसका भी कंट्रोल हमारे हाथ में है, इसलिए हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और यहाँ धरती पर राज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमने AI का कंट्रोल खो दिया तो समझ लेना कि वो जो AI है उसका तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम कुछ लेवल होते हैं जो कि दिमाग की क्षमता को मापते हैं, दिमाग की क्षमता मापने के जो अंक होते हैं पॉइंट होते हैं उनमें से जो जो है होते हैं उसका जो दिमागी क्षमता जो होती है वो सबसे कम यानी कि एक पॉइंट उन्हें मिलता है, ठीक है। और जो चिंपांजी जो होते हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा प्राणियों की तरीके अगर बात की तो जो चिंपांजी होते हैं उनके जो 60 पॉइंट मिलते हैं, और हम जो इंसान हैं उन्हें 9 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अगर बट यही बात अगर हम अगर IA के देखे जाए, IA होते हैं उनकी जो क्षमता जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि हजार लाखों और करोड़ों में होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लिमिट ही नहीं होती इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। वो जो कि हमारा जो दिमाग है होता है वो एक लिमिटेड होता है, मतलब कि हमारी जो एक खोपड़ी होती है वो उसके अंदर ही समा जाता है क्योंकि वो लिमिटेड होता है, ठीक है। हमारा पूरी तरह से कंट्रोल है AI के ऊपर, इसीलिए हम उनका जो काम जो करते हैं AI वो हमारे अंडर करते हैं, ठीक है। बट जिस दिन हमने उनका कंट्रोल खो दिया और वो जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा पावरफुल हो गई तब उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, और हो सकता है उसी दिन वो जो कंप्यूटर जो AI होते हैं वो हम पर राज करने लग जाए, या फिर हमारी इंसान की जो
जितने इंसान पूरी के पूरे इंसान की जो सजीव सृष्टि है उनको भी खत्म ना कर दे, ये भी हो सकता है। या फिर अगर उन जो एआई होते हैं उसमें अगर उसकी जो कम्युनिकेशन स्पीड की अगर बात की जाए तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो 300,000 per second होती है, और उसकी तुलना में अगर हम इंसान की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे प्रति लाख की जो स्पीड होती है वो जो हमारी इंसान की कम्युनिकेटिव स्पीड होती है, ठीक है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना पावरफुल और कितने स्ट्रॉन्ग होंगे एआई। और साथ ही अगर वो जो एआई होते हैं वो अगर उतने समझदार हो गए और हमारे जो हमने उन पर से पूरा कंट्रोल खो दिया तो हो सकता है कि वो हमारी जो पूरी की पूरी सृष्टि को ही समाप्त कर दे और वो अपना ही राज करे, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि अगर उनमें कोई कोई इमोशन अगर डेवलपमेंट हो गई तो हो सकता है कि वो इंसानों के साथ ही हमें और आगे बढ़े, और शायद हो सकता है हमारी और भी मदद करे तरक्की में, और साथ ही ये भी हो सकता है कि इंसान अमर भी हो जाए, क्योंकि अमर होना नेचर के खिलाफ है। इसलिए हम इंसान कभी भी अमर नहीं हो सकते, लेकिन वो जो एआई होते हैं उसके ज़रिए हम लंबा जी सकते हैं या फिर अमर भी हो सकते हैं एआई के ज़रिए। फिलहाल क्या हो सकता है ये कुछ विशेषज्ञों की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि ये जो जो एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो पिछले कई सालों से ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसी के कारण ये जो जो मैंने बात की एआई पर हमने कंट्रोल खो दिया तो 25-30 सालों के अंदर ही अगर हमारे इंसान खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ नया कुछ और ही होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं कही है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।